हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर की आई हुई वैकेंसी के बारे में। इसमें जो है बहुत सारी ब्रांच जो है एलिजिबल है, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जहां पे फ्रेशर्स के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने लिए है, कौन कौन सी डिसिप्लिन में, कौन कौन सी ब्रांच में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है ये आपकी आ रखी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड में, जहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट की। सो फ्रेंड, ये फॉर्म जो है आपका स्टार्ट होगा, ऑनलाइन फिलअप इसका स्टार्ट होगा 20 जून 2019 से, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 4 जुलाई 2019 और क्लोजिंग डेट ऑफ फी ऑफ जो लिखा गया है वो 8 जुलाई 2019 है। तो इसके बीच में जो है आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। वेबसाइट का लिंक है www.hsc.gov.in पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कितनी इंजीनियर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आ रखी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे 1624 जो है पोस्ट आ रखी है जूनियर इंजीनियर की डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए। तो ये जो फॉर्म है आपका, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 20 जून 2019 से जो है ये एक्टिवेट होगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ब्रांच कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम सिविल की बात करेंगे, जिसकी सबसे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा है, 617 जो है यहाँ पे पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आप इसको सामने देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 617 है। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे डिप्लोमा के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और बीबीटेक के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और ये जो इनका जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, इनका जो सिविल इंजीनियरिंग सिविल का इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो हरियाणा से ही कैंडिडेट ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर बीबीटेक वाले हैं तो वो किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीबीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग जो है किसी भी ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग से अगर एफिलेटेड है तो कोई भी कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है, लेकिन डिप्लोमा वाले सिर्फ जो इसमें लिखा गया है उसमें सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीबीटेक वाले अदर स्टेट के भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी तरह सब में क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे बात की जाए मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल सबसे टोटल पोस्ट जो है 35 ही है, और यहाँ पे जो सैलरी मैं आपको बता दूँ, सैलरी जो है सबके लिए सेम है। बेसिक पे जो है 35,400 से लेकर 1,24,000 तक यहाँ पे बेसिक पे दिया जा रहा है। देन बात करें इसी तरह और कौन सी ब्रांच है यहाँ पे एलिजिबल है, तो देखिए यहाँ पे भी डिप्लोमा और बीबीटेक के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया रखा गया है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। इलेक्ट्रिकली बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल 34 सीट रखी गई है, यहाँ पे जो है आपको डिप्लोमा और बीबीटेक जो है इलेक्ट्रिकल में होना जरूरी है। देन यहाँ पे फ्रेशर्स के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पे बात की जाए सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिल से म्यूनिसिपल कमेटी है, वहाँ पे 27 सीट है। तो इस तरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज जो है बता रखी है। तो देखिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें आपका हिंदी मैट्रिक्स मांग रखा है, तो ये इसको अगर मैं बताऊँ यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है डिफरेंट कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग जो है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसका डिफरेंट डिफरेंट कॉरपोरेशन है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, तो इन सब में जो अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है जहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप जो है इस पीडीएफ को मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इस फॉर्म को और बेहतर तरीके से आप जान सकें, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा जाएगा। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बताने की बात करूँ तो हर एक के लिए अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए मेल और फीमेल के लिए 150 रुपये का फॉर्म रखा गया है, बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, जैसे फीमेल्स के लिए 75 रुपये का फॉर्म रखा गया है जो हरियाणा के रेजिडेंट सिर्फ हैं, बाकी एस के लिए 35 रुपये जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा कैंडिडेट। तो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे जनरल काउंट होंगे। तो यहाँ पे बात किया जाए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में जो है 90 मार्क्स का जो क्वेश्चंस रहेगा, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, मैथ के, साइंस के, कंप्यूटर्स के, इंग्लिश के और हिंदी के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। जो 25% है वो आपका हिस्ट्री, करेंट अफेयर, लिटरेचर, सिविक्स जो है वो सारा जो है कल्चर जो है आपका हरियाणा से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है जिसमें मार्क्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें जो है आपको ये थोड़ा सा इसमें लिखा गया है उसको आपको देख लेना है जो। देन यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल भी दे रखा है, इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका 13/7/2019 से 18/8/2019 के बीच में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट आ जाएगा। तो ये इसका एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पे दे रखा है। फ्रेंड्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जैसा कि यहाँ पे ऑल अदर के अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया, तो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलता है।